गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, हम लोगों ने अभी तक हिंदी में पढ़ लिया था फूलों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में दिनों के नाम, यानी सप्ताह के दिन। ठीक है, सप्ताह के दिन, डेज ऑफ द वीक। ओके, तो हम आज इसको पढ़ेंगे दिनों के नाम। जैसे आप इंग्लिश में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पढ़ते हो, वैसे इसको पढ़ना है। सोमवार यानी मंडे, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। बच्चों, गुरुवार को तीन नामों से जाना जाता है। पहला गुरुवार, या उसको वीरवार भी कहते हैं, और उसको बृहस्पतिवार भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। आप गुरुवार लिखोगे तो भी राइट होगा, वीरवार लिखोगे तो भी सही होगा, बृहस्पतिवार लिखोगे तो भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि इस नाम को, इसके तीन नाम इस दिन के, जिसको थर्सडे कहते हो आप, उसको हिंदी में उनको तीन नामों से जाना जाता है उस दिन को। उसके बाद है शुक्रवार, और लास्ट में शनिवार। उसके बाद क्या आता है बच्चों, शनिवार के बाद बताओ, आपको पता होगा, रविवार। रविवार, रविवार। अब हो गए सात दिन, एक दो तीन चार पांच छह सात। तो हिंदी में स्टार्ट करते हैं सोमवार से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या वीरवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आप इन नामों को अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख लेंगे, इनको लर्न कर लेंगे अच्छे से। इनकी मात्राएं, यानी मात्रा क्या, इनकी स्पेलिंग, इसमें क्या लगना है, वो आप लर्न कर लेंगे। और एग्जाम में अगर बच्चों को एक क्वेश्चन बनता है तो हम बना सकते हैं गुरुवार को और किस नाम से जानते हैं, या वीरवार को और क्या कहा जाता है, या बृहस्पतिवार को और हम क्या कह सकते हैं। तो ये नाम लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा।